प्रदेश के जल शक्ति सिंचाई एवं जल संसाधन बाढ़ नियंत्रण लघु सिंचाई नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह शुक्रवार को एनएक्सी भवन के सभागार में अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी वेंकटेश, मंडलायुक्त जयंत नालिका, जिलाधिकारी के विजय पांडेयन, प्रमुख अभियंता परिकल्प एके सिंह एवं बाढ़ से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया और कहा कि यह समय हमारी परीक्षा का समय है, आम जन की जान माल की रक्षा करके ही परीक्षा में पास हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लगातार बंधों का निरीक्षण करते रहें, कहीं भी संवेदनशील स्थिति आने पर तत्काल सुरक्षात्मक कार्य करते हुए बंधों की रक्षा की जाए। उन्होंने मंडलायुक्त से कहा कि वे जनपद कुशीनगर के अहिरौली दान एवं देवरिया के जद्दू परसिया पर कराए जा रहे कार्यों की भी निगरानी करते रहें और बाढ़ से बचाव से संबंधित सभी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी करते रहें। मंत्री ने कहा कि कोई भी अधिकारी इस समय अवकाश पर ना जाए। बैठक में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ नियंत्रण के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाकर उसके नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए तथा सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच सिंचाई विभाग के कार्यों से विश्वास दिलाए कि वे बाढ़ से सुरक्षित हैं। उन्होंने बाढ़ खंड के अधिकारियों से राप्ती, घाघरा, आमी आदि नदियों के इस वर्ष का जलस्तर एवं पिछले वर्ष का अधिकतम डिस्चार्ज आदि के बारे में भी जानकारी लेते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कोई बंदा क्षतिग्रस्त न होने पाए। यदि इसमें लापरवाही पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग मीटिंग का विजुअल लेना चाहते हैं? नो प्रॉब्लम। हम लोग तेज गति से मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आराम से ले लीजिए और उसके बाद बॉटल को गिरा दे। और बताइए और किसी धन्यवाद।